हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर क्षितिज काव्यखंड कक्षा 10 पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके लेखक हैं तुलसीदास। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कक्षा 10 से संबंधित अन्य पाठ भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन्हें हमारे चैनल की वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने यह तर्क देते हुए कहा कि आप किस लिए इतना क्रोध कर रहे हैं? ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई बार तोड़े हैं। इस धनुष पर आपकी इतनी अधिक ममता किस कारण से है? हमें यह समझ नहीं आता। लक्ष्मण जी ने यह तर्क भी दिया कि हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान ही हैं। रामचंद्र जी ने तो इसे सिर्फ छुआ था और यह धनुष तो छूते ही टूट गया। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि या लाभ? इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। प्रश्न 2। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएँ हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे परशुराम के क्रुद्ध होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। वहीं लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग्य वचनों से परशुराम को क्रोधित कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभाजन भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। वास्तव में राम छाया है तो लक्ष्मण धूप के समान है। वहीं राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग। प्रश्न 3। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, लक्ष्मण, बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया? परशुराम, अरे मूर्ख बालक, लगता है तेरी मौत आ गई है, तभी तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। शिवजी के धनुष को तू धनु ही कह रहा है। लक्ष्मण हंसकर, मेरी समझ से तो सभी धनुष एक ही प्रकार के होते हैं। यह धनुष पुराना था और राम के छूते ही टूट गया। इसमें भला उनका क्या दोष है? परशुराम, अरे दुष्ट, तू मुझे नहीं जानता। मैं बालक जानकर तुझे नहीं मार रहा हूँ। तू क्या मुझे साधारण मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा फरसा इतना कठोर है कि इसके डर से गर्भ के बच्चे भी मर जाते हैं। प्रश्न 4। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा, मातु पितही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। उत्तर, इस चौपाई में परशुराम अपनी बड़ाई करते हैं। उन्होंने इस चौपाई में कहा है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यह बात संसार जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर हजार बार पृथ्वी को राजा विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। मेरे फरसे ने सहस्त्र बाहु का वध किया था। मेरा फरसा इतना क्रूर है कि इसकी आवाज से ही गर्भस्थ शिशुओं तक का वध हो जाता है। प्रश्न 5। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर, लक्ष्मण ने किसी भी वीर योद्धा की विशेषताओं के बारे में कहा ताकि वीर योद्धा व्यर्थ ही अपनी वीरता की डोंगे नहीं ढांकते हैं,
बल्कि युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। अपने अस्त्र शस्त्रों से वीरता की जौहर दिखाते हैं। शत्रु को सामने पाकर जो अपने प्रताप की बातें करते हैं वो तो कायर होते हैं। प्रश्न 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपना विचार लिखिए। साहस और शक्ति मानव मात्र के लिए सद्गुण है जो अत्यंत आवश्यक है। अगर इनके साथ विनम्रता का मिलन हो जाए तो क्या कहना। अक्सर साहस और शक्ति के प्रदर्शन में विनम्रता छूट जाती है, इसे साहस और शक्ति का विरोधी मान लिया जाता है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। साहस और शक्ति विनम्रता के साथ ही प्रशंसनीय है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, विहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभट्टमानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। दूसरा, इह कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कह सहित अभिमाना। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूज, आए मैं खांड न उखमई, अजहु न बूझ अबूज। उत्तर, पहले का, लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में परशुराम से बोले, आहो मुनिवर, आप तो माने हुए महायोद्धा निकले, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी इस प्रकार दिखा रहे हैं मानो जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। आशय यह है कि परशुराम का गरज गरज कर अपनी वीरता का गुणगान करना व्यर्थ है, उनकी वीरता खोखली है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। दूसरा, कवि ने परशुराम के झूठे अभिमान को काव्य रूढ़ी के माध्यम से स्पष्ट किया है। समाज में पुरानी युक्ति है कि कुम्हड़े के छोटे फल की ओर तर्जनी उंगली से संकेत करने भर से वह मर जाता है। लक्ष्मण कुम्हड़े के कच्चे फल जैसे कमजोर नहीं थे जो परशुराम की धमकी मात्र से भयभीत हो जाते। लक्ष्मण ने यदि उनसे अभिमान पूर्वक कुछ कहा था तो उनके अस्त्र शस्त्र और फरसे को देखकर कहा था। ग, इन पंक्तियों का भाव है कि जिस प्रकार सावन के अंधे को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसे ही विजय के मद में चूर व्यक्ति को सभी वीर योद्धा तुच्छ और निर्बल नजर आते हैं। परिणाम स्वरूप वह अपने से ताकतवर शत्रु को पहचान कर भी नहीं पहचान पाता है। प्रश्न 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, पाठ के आधार पर उनकी भाषागत सौंदर्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा, कवि ने दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग किया है। दो चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम अत्यंत सुंदर बन गया है। चौथा, भाषा में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग सुंदर है। पांचवा, भाषा अलंकारों से सुसज्जित है। छठा, छंद में मात्राओं के बंधन का पूरा निर्वाह हुआ है। सातवा, गेयता का गुण विद्यमान है। आठवा, संवादात्मक शैली होने के कारण प्रस्तुत पठित अंश में नाटकीयता का समावेश है। नवा, ओज गुण एवं वीररस है। प्रश्न 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पद के अध्ययन से पता चलता है कि लक्ष्मण के कथन में गहरा व्यंग छिपा हुआ है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसे कितने ही धनुष तोड़ डाले, तब किसी ने कोई क्रोध नहीं किया। श्री राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था, यह टूट गया। परशुराम की डींगों को सुनकर लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं।
हम भी कोई कुम्हड़ बत्तियाँ नहीं हैं कि तर्जनी देखकर मुरझा जाएंगे। आप ये धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपका तो एक एक शब्द करोड़ों वज्रों के समान है। लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपके रहते आपके यश का वर्णन भला कौन कर सकता है। शूरवीर तो युद्ध क्षेत्र में ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तथा कायर अपनी शक्ति का बखान किया करते हैं। परशुराम के शील पर पुनः व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके शील को तो पूरा संसार जानता है, आप तो केवल अपने घर में ही शूरवीर बने फिरते हैं, आपका किसी योद्धा से पाला नहीं पड़ा। प्रश्न 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। पाल को बोली बदो नहीं तो ही, कोटि कुलिस संब बचन तुम्हारा, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। घ, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबरु कोप कृसानु, भड़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। उत्तर, क, ब और ह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ख, उपमा कोटि कुलिस सम अनुप्रास कोटि कुलिस। उत्प्रेक्षा, ग में उत्प्रेक्षा, तुम मानो काल को हाँग कर ला रहे हो। उपमा लखन उत्तर आहुति सरस जल सम वचन, वचन जल के समान है। घ, रूपक भृगुबर कोप कृसानु, क्रोध रूपी आग। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कक्षा 10 क्षितिज और कृतिका से संबंधित पाठ एवं उसकी व्याख्या और प्रश्न उत्तर को देखने के लिए हमारे अन्य वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।